Hello bachcho, let's read the question. One quarter sector is cut from a uniform circular disc of radius r. This sector has mass m. It is made to rotate about a line perpendicular to its plane and passing through the center of the original disc. Its moment of inertia about the axis of rotation is. So bachcho, hume consider karni hai ek uniform circular disc. इस डिस्क को मान लेते हैं हम कि सेंटर है O और इसकी रेडियस गिवन है हमें R. अब ये जो क्वार्टर सेक्शन इसमें से कट किया गया है, ये इस तरह का क्वार्टर सेक्शन जो इसमें से कट किया गया है उसका मास गिवन है हमें M. सो बच्चों इस तरह के यहाँ चार पार्ट्स हो सकते हैं बिकॉज वर्ड यूज्ड है क्वार्टर. सो डेफिनेटली इस डिस्क का मास कितना होगा हमारे पास में 4m होगा. अब एक एक्सेस जो कि इस सेक्टर के सेंटर से, मतलब ये जिस डिस्क का पार्ट था उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास हो रहा है, तो ये जो सेक्टर दिखाया है हमें ये इस एक्सेस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या लेते हैं हम अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको लेते हैं हम हाफ एम आर स्क्वायर. अब यहाँ डिस्क का मास क्या है हमारे पास, m की प्लेस पर 4m है और रेडियस तो सेम है दैट इज r. तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द सेक्टर दैट इज m मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर. सो ये सेम आ जाएगा हमारे पास आंसर. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. थैंक यू.